आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है, एक गेंद को दो प्रक्षेपण कोणों पर क्षैतिज परास आर के समान है, ठीक है। जब एक गेंद को दो प्रक्षेपण कोण पर फेंक रहे हैं तो प्रक्षेप कर रहे हैं तो क्या क्षैतिज परास दोनों का आर है, ठीक है। यदि H1 H2 दोनों स्थितियों में अधिकतम ऊंचाई है तो R बराबर R और H1 H2 में क्या संबंध होगा, ये चार ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग मान के चलते हैं ये मेरा क्या है, ऊर्ध्वाधर तल है, ये क्षैतिज तल है, ठीक है। Y अक्ष, ये X अक्ष, यहाँ पे हम लोग दो गेंद को प्रक्षेपित कर रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग कोण से। एक मान लीजिए ये थीटा कोण से जा रहा है, ठीक है, दूसरा इस कोण से जा रहा है, कोण का मान भी नहीं पता, ठीक है। इसका जो मेरा परास है ये यहाँ से जाके यहाँ गिरा, ठीक है, और इसका जो परास है वो दोनों क्या है, समान है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जा रहा है। दोनों का जो परास है वो मेरा समान है R के बराबर। तो ऐसा तभी संभव है जब दोनों प्रक्षेपण का कोण क्या है, आपस में पूरक कोण होगा, ठीक है, मतलब दोनों कोणों का योग कितना 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये कोण मेरा कितना हो जाएगा, ये जो कोण होगा मेरा ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पूरक कोण में होता है तभी मेरा परास सेम होता है, ठीक है। तो पहला वाला का देखिए, मान लीजिए कि इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई यहाँ से H1 है और इसका ऊंचाई कितना है, पूरा ऊंचाई जो है मान के चलिए वो H2 है, ठीक है। तो पहले वाले के लिए देखिए, H1 क्या हो जाएगा मेरा, H1 का जो सूत्र होता है वो V0² sin²θ/2g, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए UX से प्रक्षेपित किया दोनों को, ठीक है, तो U² sin²θ/2g ये पहले वाले के लिए आ गया, ठीक है। उसी प्रकार H2 मेरा क्या आ जाएगा, U² sin 90 माइनस थीटा, इसका पूरे का वर्ग बटा 2g। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, H2 बराबर क्या हो जाएगा, U² cos²θ/2g, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग H1 H2 दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए आंसर में जो दिया सब में H1 H2 गुना के रूप में है, ठीक है। तो H1 गुना H2 ये क्या हो जाएगा, H1 गुना H2, यहाँ से देखिए 1/2 और 1/2 को उभयनिष्ठ ले लेते, 1/4, ठीक है, और अंदर में क्या हो गया U² sin²θ, और यहाँ से क्या, यहाँ से भी हो गया U² cos²θ/, दोनों गुना होगा तो G² हो गया मेरा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 इसको लिख सकते हैं U² sin θ cos θ/g पूरे का वर्ग, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुना भाग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2 और यहाँ पे 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 sin θ cos θ क्या होता है, sin 2θ, यानी इसको लिख सकते हैं 1/4 गुना U² sin²θ/2g पूरे का वर्ग, ये लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखे इसको, चूंकि क्या होता है sin²θ बराबर होता है 2 sin θ cos θ, इसके बराबर होता है, गणित का सूत्र है, ठीक है, त्रिकोणमिति का। तो ये देखिए U² sin²θ/2g जो है ये क्या होता है, यही तो परास का सूत्र होता है, ठीक है। इसके बदले हम लिख सकते हैं H1 H2 = 1/4 गुना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये एक इसका भी बाहर निकाल दीजिए, 1/4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, गुना R² ये लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या R बराबर क्या होता है U² sin²θ/g होता है, ठीक है। तो इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से R का मान क्या आ गया, R का मान जो आ गया यहाँ से वो क्या आ गया, 4√H1H2, ये आ गया, यही है मेरा सही आंसर, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, R = 4√H1H2 से, R = 4√H1H2, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है, देखिए ए और बी और डी तो गलत है, सी मेरा सही उत्तर है, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।